सारे किसान भाई यानी राम राम किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण बयान आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जानकारी देंगे टुंटी ठीक करने के बारे में। किसान भाई, ये टुंटी है इसको मैंने बहुत बार बंद कर लिया लेकिन ये टपकती रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ये किस प्रकार से ठीक हो जाएगी वो भी मुफ्त की चीज़ से, ये भी आज आपको बताया जाएगा। और ये ज़्यादा देर का काम नहीं है किसान भाइयों, केवल 2 मिनट में आप जो है अपनी टुंटी घर की ठीक कर सकते हैं। अगर आप नई लेने जाओगे बाजार में तो लगभग आपको 250-300 या 600 रुपये की पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो आप घर में इसको बिल्कुल फ्री में ठीक कर सकते हैं, इसका कोई पैसा आपको नहीं लगेगा और करने में भी आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए आपके पास 2-3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो तो है किसान भाइयों, जो चाबी वगैरह है ये आपके पास होनी चाहिए जो इसको प्रॉपर खोल सके, जैसे ये ले रखी है मैंने। और दूसरा आपके पास ये सीरिंज होनी चाहिए, ये अगर आप नई लेकर के आओगे तो ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 रुपए की आ जाएगी। अगर आप पुरानी लेकर के आओगे तो डॉक्टरों के पास ये फ्री में बहुत बड़ी रहती है, आप वहाँ से इसको ला सकते हैं। इसके अंदर किसान भाइयों जो एक रबड़ होता है और रबड़ कट जाता है, रबड़ कटने के कारण जो है ये टपकती रहती है और फिर ये बंद नहीं होती है, तो उस रबड़ के स्थान पर आप इसका जो ये वाला रबड़ है ये रबड़ लगा देंगे। ये रबड़ लगाने के बाद जो है टुंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और किसी भी प्रकार से ये आपके घर में टपक टपक नहीं रहेगी। इससे जो है दीवारों में सीलन आ जाती है या घर में जो सेम वगैरह की समस्या भी इन चीज़ों से बढ़ जाती है, तो इन चीज़ों के साथ में आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो किसान भाई, जानकारी को आप पूरा देखें। अगर आपके पास भी कोई इस प्रकार की जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या कोई और जानकारी चाहते हैं तो वो भी बताइए, हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, इसके लिए जो हमने इस ढक्कन को जो रबड़ के ऊपर से उतार लिया है और ये जो है एक साइड कर दिया है, अब ये किसी काम का नहीं रहा और हमने इसमें से ये वाली चीज़ ले ली है, इसको हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सी खेती संबंधित और भी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर के आते रहते हैं, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो किसान भाई, आइए टुंटी को खोल लेते हैं। सबसे पहले इसको खोलेंगे हम, खोलने के लिए जो है ये खोलने के बाद पानी अच्छा बिखेरती है तो हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमने इसको खोल लिया है और खोलने के बाद जो है हम इसके ये इसके अंदर किसान भाई रबड़ होता है, जो ये रबड़ कट जाता है तो फिर ये जो है टुंटी लीक होना शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं अच्छी प्रकार से यहाँ पर जो रबड़ है ये कट गया है, इस वजह से लीक है और ये किसी भी तरह से रुकेगी नहीं। आप इसको चाहे जितनी जुड़ी चढ़ा लें, इसको आपको ठीक करना ही होगा। तो सबसे पहले मैं इसका रबड़ काट देता हूँ और रबड़ काटने के बाद जो है मैं इसको फिर दूसरा रबड़ इसके अंदर लगाऊँगा। ये किसान भाइयों यहाँ पर रबड़ होता है तो ये रबड़ मैंने काट दिया है, अब इसके अंदर मैं जो दूसरे वाला रबड़ लगाने वाला हूँ। ये जो रबड़ है किसान भाई, इसको थोड़ा सा हम नीचे से इस प्रकार से करके काट देंगे और काटने के बाद जो है हम इसके अंदर इसको लगाएंगे ताकि यह जो है इसके अंदर आ जाए, यानी कि यहाँ से इसके अंदर जो है ये आर पार होना ज़रूरी है, उसके बाद इसका रबड़ जो है रुकेगा। अगर इसके बिना रबड़ को काटे हम कर देंगे तो इसका रबड़ जो है काम नहीं करेगा। इसके करने के लिए जो है इस प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा काट दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं काटेंगे, ज़्यादा काटेंगे तो ये इसके पार चला जाएगा, फिर ये रुकेगा नहीं। ये किसान भाई ये इस प्रकार से फिट हो गया है, आप देख सकते हैं। और फिट होने के बाद जो है आप इसको अच्छी प्रकार से यहाँ से बंद कर लीजिए और इसके बाद ये यहाँ पर फिट हो गया। अब फिट होने के बाद आपकी टुंटी बिल्कुल तैयार है, ये 1% भी पानी नहीं चुएगा इसमें से, नहीं ये ख़राब होगी। तो इसको हम सावधानी से थोड़ा सा हटा लेंगे क्योंकि इसके अंदर से पानी बहुत बहता होता है। अब ये यूँ की यूँ हम इसके अंदर इस प्रकार से करके लगा देंगे और ये हमने लगा दी है, अब इसको हम बंद करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, बिल्कुल ये बंद हो गई है, कोई भी इसके अंदर पानी वगैरह नहीं चू रहा है और ये जो है अच्छी प्रकार से अपना काम कर देगी। अब इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद जो है ये देखिए आप, जैसे चलाएंगे तो चलेगी, बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से छोटी सी जानकारी है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।